क्यूँ दोनों ने अचानक एक साथ सोशल मीडिया में पोस्ट करना बंद कर दिया और उनके रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट है वो है कि क्यों शाहिर कभी भी अपने सेकंड डॉटर कुदरत को एक्नोलेज नहीं करते जबकि वो अपने फर्स्ट डॉटर आनिया के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सो वी विल टॉक अबाउट एवरी शाहिर और रिचिका के मैरिज को डिस्कस करने से पहले हमें शाहिर के करियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होगा शाहिर वॉज बॉर्ड इन एटी इन जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में अपने स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद शाहिर मूव टू पुणे टू स्टडी लॉ शाहिर पुणे के वार्ते विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से एल कंप्लीट किया कॉलेज डे से ही शाहिर मॉडलिंग एंड मैगजीन कवर्स के फोटोशूट में पार्टिसिपेट करते थे शाहिर ने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था की कि वो कॉलेज के टाइम कॉल सेंटर के जॉब भी करते थे ज्यादातर लोगो को लगता है की शाहिर ने टू में क्या मस्त लाइफ है टीवी शो से टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू किया बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू शाहिर ने 2005 में ही सानिया नाम की शो से अपना डेब्यू कर लिया था लेकिन क्योंकि उस शो में उनको साइड रोल मिला था जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था तो उनको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला सानिया के बाद ही 2009 में उन्हें क्या मस्त लाइफ है टीवी शो में कास्ट किया गया क्योंकि ये शो उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था तो इस शो से ही शाहिर को फर्स्ट एज एन एक्टर रिकॉग्निशन मिला इन 2010 शाहिर ने झांसी की रानी टीवी सीरियल में काम किया इसके बाद भी उन्होंने बैक टू बैक कई टीवी शोज पे काम किया ऐसे ही शाहिर ने टू उंड इलेवन में नव्या नए धरकर नए सवाल टीवी सीरियल में काम किया जिससे उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिला लेकिन शाहिर के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट शो था महाभारत इस शो के बाद शाहिर इंडियन टेलीविजन का वन ऑफ द टॉप एक्टर बन गए लेकिन सरप्राइजिंगली इंडियन टेलीविजन से इतना पॉपुलरिटी गेन करने के बाद भी शाहिर इंडियन टेलीविजन से ब्रेक लेक लेके इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए टू तो मेक हिस्स करियर देव वहाँ उन्होंने इंडोनेशियन टीवी शोज और मूवीज में अपना करियर बनाने की पूरी कोशिश किया पहले उनको कुछ इंडोनेशियन रियलिटी शोज होस्ट करने का मौका मिला इसी दौरान ही मेड इंडोनेशियन सिंगर एंड एक्ट्रेस आयु तिंग तिंग, जो पहले से ही स्टैब्लिश थी और उन्होंने शाहिर को इंडोनेशियन इंडस्ट्री में सेटल होने में हेल्प किया इट वाज 2015 थाउजेंड फिफ्टीन वेन आयु एंड शाहिर स्टार्टेड डेटिंग इच अदर लेकिन उनका रिलेशनशिप सिर्फ फाइव मंथ्स के लिए ही चला शाहिर ने इंडोनेशिया में कुछ टीवी शोज में काम किया उनको कुछ मूवीज में भी काम करने का मौका मिला लेकिन इन सब के बाद भी इंडोनेशियन इंडस्ट्री में शाहिर को कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला और शाहिर को इंडियन टीवी शो के भी ऑफर आ रहे थे सो so अगेन शाहिर back, शाहिर मूव्ड बैक बैक टू इंडिया एंड बिफोर मूविंग ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड और इंडिया में आने के बाद ही शाहिर को कुछ रंग प्यार के ऐसे ही पॉपुलर टीवी शो ऑफर हुआ इस टीवी शो से शाहिर को फिर से वो लाइमलाइट मिल गया था जो उन्होंने इस ब्रेक में खोया था इस शो में शाहिर के ऑपोजिट थी एरिका फर्नांडिस जिन्होंने इस शो के थ्रू डेब्यू किया था इस सीरियल के शूटिंग के दौरान इरिका और शाहिर के डेटिंग के रूमर्स भी आ रहे थे इवन दो बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप लेकिन इरिका और शाहिर का हमेशा एक साथ स्पॉट होना एक साथ वेकेशन में जाना यही हिंट दे रहा था कि दे वेटिंग वे अदर सबको यही लग रहा था कि शाहिर एंड एरिका एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन फिर अचानक 2020 के एंड में शाहिर ने रुचिका कपूर के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपने मैरिज का न्यूज भी सोशल मीडिया में शेयर किया एंड ऑब्वियसली इससे शाहिर एंड एरिका के फैंस काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उन्हें तो अब तक यही लग रहा था कि शाहिर एंड एरिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अब उनके फैंस ने नोटिस किया कि शाहिर और रुचिका के रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने से कुछ दिन पहले एरिका ने शाहिर को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया था और इससे लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि उनके बीच जो भी हुआ बहुत जल्दी हुआ ये शादी प्री प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था और बहुत जल्दबाजी में उनका शादी हुआ और शाहिर ने भी बाद में जाकर ये रिवील किया कि वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे शाहिर ने ये भी रिवील किया कि वो 2018 से रुचिका को जानते थे बट दे वर जस्ट फ्रेंड्स एंड आफ्टर टू अदर बट आफ्टर टू ईयर्स इट वॉज ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी में उन्होंने डायरेक्टली शादी कर लिया सो दैट देट दे नेवर रियली डेटेड इचर दो दी दीज इट मैरिड आउट ऑफ नो वेयर न इससे पहले कभी भी शाहिर को रुचिका के साथ स्पॉट किया गया न उन्होंने कभी रुचिका को मेंशन किया शादी के कुछ मंथ्स बाद इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन शाहिर एंड रुचिका है अब शादी के बाद शाहिर एंड रुचिका सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव थे दोनों हमेशा एक साथ पिक्चर्स एंड ऑल पोस्ट करते थे शाहिर इससे पहले कभी भी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे लेकिन रुचिका से शादी करने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज में उनको मेंशन किया और रुचिका भी रेगुलरली उनका और शाहिर का पिक्चर्स पोस्ट करती थी सिक्स मंथ एनिवर्सरी से वन ईयर एनिवर्सरी तक एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया रुचिका गॉट प्रेगनेंट शाहिर ने ये न्यूज भी सोशल मीडिया में शेयर किया था विद योर पिक्चर टूगेदर लेकिन फिर फ्रॉम टू उन दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया जो लोग हमेशा साथ में पोस्ट करते थे वेकेशन पे जाते थे अब सब कुछ बंद हो चुका था ना शाहिर और न ही रुचिका एक दूसरे को पोस्ट कर रहे थे उनको साथ में स्पॉट भी नहीं किया जा रहा था हाँ वो कभी कभी फैमिली पिक्चर पोस्ट कर रहे थे लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ उनका कोई भी पोस्ट नहीं नहीं था ना उन्होंने अपना सेकंड और थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया रुचिका जो रेगुलरली उनके रेगुलरलींटा पे शेयर करती थी, शी हैड स्टॉप पोस्टिंग विद एज वेल एंड फिर इन 2023 आउट ऑफ नो रुचिका अपनी सेकेंड बेबी कुदरत को सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगी लेकिन इससे पहले ना ही रुचिका ने और ना ही शाही ने उनके प्रेगनेंट होने का न्यूज शेयर किया था और ये सेकंड बेबी शाहिर के फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था नहीं लेकिन काफी ज्यादा वेयर था कि शाहिर ने अपने सेकंड बेबी कुदरत के बर्थ के पहले और ना ही बाद में सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट किया इनफैक्ट शाहिर जिसने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम उनके प्रेग्नेंट वाइफ के साथ फोटो पोस्ट करके अपने फैंस को उनके पेरेंट्स होने का न्यूज शेयर किया लेकिन सेकेंड चाइल्ड के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ न ही सोशल मीडिया में और ना ही रियल लाइफ में उन्होंने कभी भी अपने सेकेंड बेबी को मैंशन किया आज तक उन्होंने अपने सेकेंड बेबी के बारे में कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया Meanwhile, शाहिर आनिया उनके फर्स्ट डॉटर के साथ पोस्ट एंड ऑल शेयर करते हैं बट न उन्होंने कभी भी कुदरत को मेन्शन किया और ना ही उसके साथ कोई भी पिक्चर पोस्ट किया इट ऑलमोस्ट सीन्स लाइक ही डज नॉट इवन कंसिडर कुदरत हिज ओन चाइल्ड अब कुछ लोगों का कहना है कि शाहिर काफी ज्यादा प्राइवेट पर्सन है एंड फॉर हिज ओन डॉटर्स प्राइवेसी शाहिर ने कोई भी पोस्ट नहीं किया लेकिन अगर ऐसा ही है तो ये रुल शाहिर ने अपने फर्स्ट डॉटर के साथ फॉलो क्यों नहीं किया और मान लिया के प्राइवेसी के लिए वो अपने सेकेंड डॉटर का फेस रिवील नहीं करना चाहते लेकिन बिना फेस रिवील किए भी ये न्यूज शेयर किया जा सकता था अगर वो अपने डॉटर का पिक्चर पोस्ट नहीं करना चाहते थे वो एटलीस्ट एक रिटर्न पोस्ट तो शेयर कर सकते थे अपने सेकेंड टाइम फादर बनने का लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही रुचिका ने ऐसा किया और ये कैसा प्रिवेसी है जो सिर्फ शाहिर फॉलो कर रहे हैं लेकिन रुचिका नहीं रुचिका रेगुलरली अपने डॉटर के साथ पोस्ट शेयर करती है अगर रुचिका अपने डॉटर का फेस स्टिकर से हाइड करके पोस्ट कर सकती है तो शाहिर क्यों नहीं कर सकते अब सवाल आता है कि क्या शाहिर एंड रुचिका सेपरेट रहते हैं ऑनेस्टली वो दोनों काफी मिक्स सिग्नल देते हैं रुचिका के इंस्टाग्राम पोस्ट में आप कभी भी शाहिर को नहीं देखोगे वो कभी उन्हें मेंशन भी नहीं करती इवन रुचिका के वेकेशन के फोटोज में सिर्फ और सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही दिखते हैं लेकिन मीन शाहिर अगर कभी भी अपनी फर्स्ट डॉटर आनिया के साथ फोटो पोस्ट करते हैं तब वो रुचिका को मैंशन करते हैं ऑल्सो रुचिका शाहिर के पोस्ट को लाइक करती है तो ऑनेस्टली उनके रिलेशनशिप से काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग आता है और ये देख के लगता है कि शाहिर जस्ट विजिट रिशिका टू तो मीट हिज फर्स्ट डॉटर आने अगर वो साथ रहते तो कभी ना कभी वो एक दूसरे के साथ फोटो तो शेयर करते ही और इससे तो यही लगता है कि मोस्ट प्रोबली दे डू नॉट लिव टुगेदर अब डिस्कस करते हैं कुछ स्पेकुलेशन के बारे में क्योंकि ऑनेस्टली हम किसी को नहीं पता की उनके बीच क्या रिलेशनशिप्स है एंड वट्स रॉन्ग बिटवीन देम लेकिन शाहिर के फैंस जो उन्हें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनका बनाया हुआ कुछ स्पेकुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं अब कुछ लोगों का कहना है कि दे आर इन ओपन मैरिज अब उनका ऐसा सोचने के पीछे भी कुछ रीजंस है जैसे शाहिर मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में स्पेंड करते हैं जहां कई बार उन्हें और एलिका फर्नाडेस को एक ही टाइम में एक ही प्लेस में स्पॉट किया गया है इवन एरिका भी मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में ही रहती है ऑल्सो शाहिर मोस्टली अपने बर्थडे दुबई में सेलिट करते हैं शाहिर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखोगे तो वो फ्रीक्वेंटलीरिका के साथ पोस्ट करते They call themselves good friends. लेकिन शादी से पहले शाहिर की वाइफ भी उनकी जस्ट फ्रेंड थी तो कुछ लोगो को लगता है की शाहिर एंड एरिका आर मोर देन फ्रेंड्स अब कुछ लोगों का ये भी कहना है की शाहिर ने रुचिका पे चीट किया और इसीलिए वो लोग सेपरेट रहते हैं लेकिन अगर ऐसा होता तो रुचिका उनके साथ मैरिड रहती है क्यूँ और ये मत सोचना की रुचिका जॉबलेस है रुचिका कपूर इज द कजन सिस्टर ऑफ एकता कपूर ऑल्सो शीजन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इवन वीरे दी वेडिंग जैसे मूवीज भी रुचिका ने प्रोड्यूस किया था एंड ऑल्सो आफ्टर मैरिंग रुचिका शाहिर को कई सारे नेटफ्लिक्स शो में मौका मिला सो ऑब्वियसली रुचिका इज इंडिपेंडेंट तो अगर शाहिर रुचिका पे चीट करते तो रुचिका वुड हैव गॉन फॉर डिवोर्स सो दैट रुचिका को शाहिर के अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रुचिका ऑल्सो हैज अ पार्टनर अ मैन तो इट सीम्स मोर लाइक एन ओपन मैरिज ऑल्सो शाहिर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था दैट ही लाइक्स टू बी फ्री वो किसी भी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करते तो सब कुछ हमें एक ही डायरेक्शन पे लेके जा रहा है एंड दैट इज मे बी देर इन एन ओपन मैरिज बट एक बात तो कन्फर्म है की वो लोग प्रेटेंड कर रहे हैं की वो एक परफेक्ट मैरिज में है एंड देर है together.

आर गुड फ्रेंड्स सो ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा मिस्टीरियस है सो दैट वॉज इट फॉर टूडे आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या लगता है लेटमी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट टेक केयर